एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 टॉपिक ड्रिल ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो लिमिट समय में सही आंसर बताइएगा। आज ड्रिल के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डेली सुबह में 7 बजे क्लास होती है और शाम में 6:50 में, और टाइम से क्लास करेंगे। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। सभी को जय हिंद, जो लोग नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 3, बी 4, सी 2 या फिर डी 5। टाइम शुरू हो चुका है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, जो कि इनफ है। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या फिर 5 प्रकार। सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टाइम अप। ड्रिल दो प्रकार की होती है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? ऑप्शन है बायां पैर, बी दायां पैर, सी दोनों एक साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। तेज चल में सबसे पहले कौन सा पैर निकालना होता है? ड्रिल तो सब लोग करते हैं ना, मार्चिंग। कौन सा पैर निकालते हो, बायां पैर, दायां पैर, दोनों पैर एक साथ निकालते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए फास्ट टाइम अप। तो तेज चल में सबसे पहले हम लोग बायां पैर निकालते हैं, यानी लेफ्ट फुट। ऑप्शन ए वाले सही है। थर्ड क्वेश्चन, पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? ऑप्शन ए 160 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री या फिर डी 45 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, तो आप लोग टेस्ट पूरा देंगे, ठीक है, क्लास पूरा कीजिएगा। पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ते हैं? ऑप्शन 160 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री। चलिए जल्दी टाइम अप। पीछे मुड़ में हमेशा 180 डिग्री यानी यू का शेप बनाते हैं, तो बी वाले से 180। नेक्स्ट फोर नंबर, निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितना कदम सामने लिए जाते हैं, यानी कितना कदम चलते हैं? ऑप्शन है 10 कदम, बी 15 कदम, सी 14 कदम या फिर डी 12 कदम। टाइम शुरू हो चुका है। निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितना कदम सामने लेते हैं? आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। चलिए फास्ट इजी है, 10, 15, 14 या फिर 12। टाइम अप। चाहे निरीक्षण को मध्य से चलो या फिर समीक्षा करना, दोनों एक ही बात है, तो 14 कदम ही होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वाले से 14। नेक्स्ट फाइव नंबर, खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे लेगी तथा पिछली लाइन कितना कदम पीछे लगी? ऑप्शन ए 2 कदम तथा 3 कदम, बी 1 कदम तथा 2 कदम, सी 2 कदम तथा 2 कदम या फिर डी 1.5 कदम तथा 1.5 कदम। टाइम शुरू हो चुका है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना भी लंबा, 20 सेकंड टाइम मिलेगा। आप लोग टेस्ट पूरा देंगे, क्लास पूरा कीजिएगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा। खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितना कदम आगे तथा पिछली लाइन कितना कदम पीछे? चलिए फास्ट टाइम अप। खुली लाइन के आदेश पर अगली लाइन 1.5 कदम आगे लगी तथा पिछली लाइन 1.5 कदम पीछे लगी, तो डी वाले सही है। नेक्स्ट सिक्स नंबर, वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2 भाग, बी 3 भाग, सी 4 भाग या फिर डी 5 भाग। टाइम शुरू हो चुका है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड, बहुत इजी है, सभी का सही होना चाहिए। 50 में कितना सही करते हो, क्योंकि ड्रिल टॉपिक हो चुका है पहले भी, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। चलिए फास्ट टाइम अप। तो वर्ड ऑफ कमांड के टोटल 2 भाग होते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है, 2 भाग। नेक्स्ट सेवन नंबर, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है, अधिकृत मतलब लागू? ऑप्शन ए बर्ड सैल्यूट, बी राष्ट्रीय सैल्यूट, सी जनरल सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को कौन से सैल्यूट देते हैं? चलिए फास्ट
ऑप्शन बट सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट यानी नेशनल सैल्यूट देते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी कितने इंच होता है। ऑप्शन है 10 इंच, बी 20 इंच, सी 30 इंच या फिर डी 0 इंच। टाइम शुरू हो चुका है। इन सावधान पोजीशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ एंकल्स यानी हील, ऑप्शन 10 इंच, 20 इंच, 30 इंच या फिर 0 इंच। चलिए फास्ट। टाइम अप। साधन में एडी टू एडी कोई डिस्टेंस ही नहीं होता क्योंकि एडिया सटी होती है यानी 0 इंच। डी वाले सही है। देख लो कितने लोग फंसे हो। नेक्स्ट 9 नंबर, ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए। ऑप्शन है 50 मीटर, बी 100 मीटर, सी 200 मीटर या फिर 300 मीटर। टाइम शुरू हो चुका है। ड्रिल के दौरान कैडेटों को कितना मीटर सामने देखना चाहिए। ड्रिल इंस्ट्रक्टर अक्सर बोलते रहते हैं कि निगाह कितना मीटर सामने। ऑप्शन 50 मीटर, 100 मीटर, 200 या फिर 300। टाइम अप। तो ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना चाहिए, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 10 नंबर, वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में किस पोजीशन में दी जाती है। ऑप्शन ए विश्राम स्थिति में, बी सावधान स्थिति में, सी किसी भी स्थिति में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। वर्ड ऑफ कमांड किस स्थिति में देते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, विश्राम स्थिति में, सावधान स्थिति में, किसी भी स्थिति में या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान स्थिति में दी जाती है, ऑप्शन बी वाले सही है। 11 नंबर, मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है। ऑप्शन है बट सैल्यूट, बी राष्ट्रीय सैल्यूट, सी जनरल सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर को कौन सा सैल्यूट देते हैं। चलिए फास्ट। ऑप्शन बट सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। तो मुख्यमंत्री को जनरल सैल्यूट लागू है, सी वाले सही है। नेक्स्ट 12 नंबर, जेसीओ को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है। ऑप्शन है जनरल सैल्यूट, बी बट सैल्यूट, सी राष्ट्रीय सैल्यूट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। जेसीओ को कौन सा सैल्यूट देते हैं। ऑप्शन जनरल सैल्यूट, बट सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी का परफेक्ट होना चाहिए। 20 सेकंड आपका टाइम इधर चल रहा है। टाइम अप। तो जेसीओ को बट सैल्यूट लागू है, बी वाले सही है। नेक्स्ट 13, सैल्यूट कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है 5 प्रकार का, बी 2 प्रकार का, सी 4 प्रकार का या फिर डी 3 प्रकार का। टाइम शुरू हो चुका। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट। चलिए फास्ट। सैल्यूट कितने प्रकार का होता है, बस इतना पूछा। ऑप्शन है 5 प्रकार का, बी 2 प्रकार, सी 4 या फिर डी 3। जो लोग क्लास कंटिन्यू नहीं करते सुबह शाम, शाम 7 बजे, आप काफी लोग गलत हैं, तो ध्यान दें। सैल्यूट 2 प्रकार का होता है, ठीक है, बी वाले सही है। 14, ड्रिल के प्रकार है। ऑप्शन है ओपन ड्रिल, बी क्लोज ड्रिल, सी केवल ए या फिर ए और बी दोनों। टाइम शुरू हो चुका। ड्रिल का प्रकार कौन कौन सा है। ऑप्शन ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, केवल ए है या फिर ए और बी दोनों है। चलिए फास्ट, बच्चा वाला क्वेश्चन है। टाइम अप। तो ड्रिल के दोनों प्रकार है ये, ओपन और क्लोज, यानी ऑप्शन डी वाले सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट 15 नंबर,
धीरे चल में पांव कितने इंच निकलता है? ऑप्शन है 30 इंच, बी 20 इंच, सी 45 इंच या फिर 18 इंच। टाइम शुरू हो चुका है। धीरे चल में पांव कितने इंच निकलता है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। धीरे चल और तेज चल, ऑप्शन 30 इंच, 20 इंच, 45 इंच या फिर 18 इंच। टाइम अप। धीरे चल में लेंथ ऑफ स्टेप 30 इंच यानी 30 इंच। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 21। तेज चाल में दो करेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 30 इंच, बी 20 इंच, सी 45 इंच या फिर 18 इंच। टाइम शुरू हो चुका है। डिस्टेंस बिटवीन टू करेट्स इन तेज चाल, तेज चाल में दो करेट्स के बीच की दूरी कितनी? चलिए फास्ट लिमिट टाइम के अंदर, ऑप्शन 30 इंच, 20 इंच, 45 इंच या फिर 18 इंच। जल्दी टाइम अप। तो तेज चाल में दो करेट्स के बीच की दूरी 45 इंच होती है। ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 22। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? ऑप्शन है दाहिने पैर पर, बी बाएं पैर पर, सी दोनों में से किसी भी पैर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर देते हैं? चलिए फास्ट इजी है, जल्दी टाइम अप। तो वर्ड ऑफ कमांड में थंब हमेशा बाएं पैर यानी लेफ्ट पर देते हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 23। बट सैल्यूट किसे लागू है? ऑप्शन ए नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक, बी नायक सूबेदार से लेकर जनरल तक, सी मेजर से लेकर जनरल तक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नंबरिंग में भी शायद गलत हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए फास्ट बट सैल्यूट किसे लागू है? ऑप्शन नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन तक, नायक सूबेदार से लेकर जनरल तक, मेजर से लेकर जनरल तक या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप। तो बट सैल्यूट नायक सूबेदार यानी जेसीओ साहब से लेकर कैप्टन साहब तक। तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 24 नंबर। ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए अमेरिका से, बी भारत से, सी फ्रांस से या फिर डी जर्मनी से। टाइम शुरू हो चुका है। 22। ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन अमेरिका से, भारत से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। टाइम अप। तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 25। निकट लाइन चल की कार्रवाई कब की जाती है? ऑप्शन ए निरीक्षण से पहले, बी मार्च पास्ट के बाद, सी निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। निकट लाइन चल की कार्रवाई यानी एक्टिविटी कब करते हैं, किस सिचुएशन में? ऑप्शन है आपके सामने निरीक्षण से पहले, मार्च पास्ट से बाद, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम अप। तो निकट लाइन चल की कार्रवाई हमेशा निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले कराते हैं। ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 26 नंबर। SW 1 मिनट में कितना कदम चलती है? ऑप्शन 110 कदम, बी 70 कदम, सी 116 कदम या फिर डी 120 कदम। टाइम शुरू हो चुका है। SW पता है ना, सीनियर विंग यानी कॉलेज की गर्ल्स कैडेट, वो 1 मिनट में कितना कदम चलती है? ऑप्शन है 110 कदम, 70 कदम, 160 कदम या फिर 120 कदम। टाइम अप। तो SW 1 मिनट में 110 कदम चलती है। ऑप्शन ए वाले सही है। 27। दाहिने मुड़ के कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है? ऑप्शन है 90 डिग्री, बी 180 डिग्री,
सी 360 डिग्री या फिर डी 60 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। दाहिने मुड़े यानी राइट टर्न के कमांड पे अब कितना डिग्री मुड़ेंगे? ऑप्शन दिया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 60 डिग्री टर्न करेंगे। टाइम ऑफ, तो दाहिने मुड़ में हमेशा 90 डिग्री मुड़ते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। 28 नंबर, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। ऑप्शन ए विसर्जन का, बी थम, सी लाइन तोड़ या फिर डी परेड पर। टाइम शुरू हो चुका है। थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए कौन सा ऑर्डर ऑफ कमांड देते हैं? आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन विसर्जन, थम, लाइन तोड़ या फिर परेड पर। चलिए फास्ट, टाइम ऑफ, थोड़े समय के ब्रेक बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए लाइन तोड़ का ऑर्डर ऑफ कमांड देते हैं, सी वाले सही है। 29 नंबर, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट होती है यानी कितनी? ऑप्शन ए 110 कदम प्रति मिनट, बी 116 कदम प्रति मिनट, सी 120 कदम प्रति मिनट या फिर डी 70 कदम प्रति मिनट। टाइम शुरू हो चुका है। रेट ऑफ स्टेप इन धीरे चल, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट कितनी? ऑप्शन 110 कदम प्रति मिनट, 116 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट या फिर 70 कदम। टाइम अप, तो धीरे चल में कदम की रफ्तार 70 कदम प्रति मिनट होती है, डी वाले सही है। नेक्स्ट 30 नंबर, कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर हरकत करता है? ऑप्शन है आराम से की स्थिति में, बी सावधानी स्थिति में, सी विश्राम स्थिति में या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। यानी किस पोजीशन में आप कमर से ऊपर का पार्ट मूव कर सकते हैं, मूवमेंट हिल डुल कर सकते हैं, ये नहीं कि कहीं भाग गए। चलिए फास्ट, ऑप्शन आराम से की स्थिति में, सावधानी स्थिति में, विश्राम स्थिति में या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम ऑफ, तो कमर से ऊपर हम लोग आराम से की पोजीशन में हरकत कर सकते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 31, तेज चाल में कदम कितने इंच निकलता है? ऑप्शन 45 इंच, बी 30 इंच, सी 18 इंच या फिर डी 12 इंच। टाइम शुरू हो चुका है। सिंपल है, मतलब तेज चाल के दौरान कदम की लंबाई कितनी होती है, वही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बस अलग है। ऑप्शन 45 इंच, 30 इंच, 18 इंच या फिर 12 इंच। चलिए फास्ट, टाइम अप, तो तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है, ऑप्शन बी वाले सही है। 32, कौन से गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, बी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, सी राष्ट्रपति और राज्यपाल को या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। गणमान्य व्यक्ति मतलब कौन से रिस्पेक्टेड पर्सन को राष्ट्रीय सलामी नेशनल सैल्यूट देते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति और राज्यपाल को या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट, टाइम ऑफ, तो राष्ट्रीय सैल्यूट दो ही लोगों को लागू, व्यक्ति में राष्ट्रपति और सभी राज्यों का राज्यपाल, और अगर पूछेगा किसको तो तिरंगा भी कहा जाए, सी वाले सी, व्यक्ति पूछा तो व्यक्ति का नाम। 33, ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है? ऑप्शन ए थम, बी परेड पर, सी विसर्जन या फिर डी सज। टाइम शुरू हो चुका है। ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है? चलिए फास्ट, आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए, बहुत इजी है। ऑप्शन थम, परेड पर, विसर्जन या फिर सज का। टाइम अप, तो ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द सज, दाहिने सज, तो सज, ऑप्शन डी वाले सही है। 34 नंबर, भूमि शास्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा किधर होती है? ऑप्शन ए बाएं, बी दाहिने, सी ऊपर की ओर या फिर डी नीचे की ओर। टाइम शुरू हो चुका है।
भूमि शास्त्र में राइफल की मैगजीन की दिशा पूछा है, क्वेश्चन काफी पेचीदा है समझिएगा। भूमि शास्त्र में यानी जब राइफल जमीन पर रखा हो तब राइफल के मैगजीन का सही डायरेक्शन किधर होगा, बाएं दाहिने ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। टाइम तो भूमि शास्त्र में राइफल की सही दिशा दाहिने होती है, ठीक है, बी वाले सही है। नेक्स्ट 35 नंबर, सावधान में दोनों पांवों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है। ऑप्शन 180 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री या फिर 90 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका, चलिए फास्ट। सावधान में दोनों पांवों के बीच का कोण कितना डिग्री, ऑप्शन है 180 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 90 डिग्री। जल्दी, बच्चा वाला क्वेश्चन है। टाइम अप। और सावधान में दोनों पाव के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। 36, दाहिने शज पर कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है। ऑप्शन है 6 इंच का, बी 15 इंच का, सी 18 इंच का या फिर डी 12 इंच का। टाइम शुरू हो चुका है, दाहिने शज के आदेश पर कितना इंच का कदम आगे लेते हैं। सबका सही होने चाहिए, क्लास में आपको पहले भी पढ़ा दिया हूँ। चलिए फास्ट, ऑप्शन 6 इंच का, 15 इंच का, 18 इंच का या फिर 12 इंच का। गुड जोश। टाइम अप। तो दाहिने सच पर 15 इंच का कदम आगे लेते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 37, विश्राम अवस्था में किस रैंक से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं। ऑप्शन है कमर से ऊपर का, बी घुटने से ऊपर का, सी छाती से ऊपर का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है, विश्राम पोजीशन में आप कहां से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है कमर से ऊपर का, घुटने से ऊपर का, छाती से ऊपर का या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो विश्राम पोजीशन में कमर से ऊपर नहीं कर सकते, वो आराम से में करते, विश्राम में किसी भी पार्ट से ऊपर नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। डी वाले सही है, यानी विश्राम में भी आपको कोई मूवमेंट नहीं करना, सावधान में तो करना ही नहीं है, विश्राम में भी नहीं। 38, शज के आदेश पर दाहिना दर्शक किस ओर देखता है। ऑप्शन है दाएं ओर, बी बाईं ओर, सी सामने की ओर या फिर डी पीछे की ओर। टाइम शुरू हो चुका है, शज के आदेश पर दाहिना दर्शक किस ओर देखता है। ऑप्शन दाएं ओर, बाईं ओर, सामने की ओर या फिर पीछे की ओर। टाइम अप। तो शज के आदेश पर जो सबसे दाहिना साइड में होता है वो बाईं ओर देखता है, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 39, जब 6 कैरेट से कम होते हैं तो स्क्वाड को किस कितने रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं। ऑप्शन है 2, B 4, C 1 या फिर डी 3। टाइम शुरू हो चुका है, जब 6 करेट से कम हो तो स्क्वाड को कितने रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं। चलिए फास्ट, ऑप्शन है 2, 4, 1 या फिर 3 रैंक में। गुड जोश, चलिए जल्दी। टाइम अप। जब 6 से कम होगा तो आप उनको 1 रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं, सी वाले सही एक। 40 नंबर, दाहिने सैल्यूट का आदेश किस पैर पर दिया जाता है। ऑप्शन है किसी भी पैर पर, बी दाएं पैर पर, सी बाएं पैर पर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका, दाहिने सैल्यूट का आदेश किस पैर पर देते हैं। आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन किसी भी पैर पर, दाएं पैर पर, बाएं पैर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो दाहिने सैल्यूट का आदेश वर्ड ऑफ कमांड हमेशा बाएं पैर पर देते हैं, ऑप्शन सी वाले सही है। 41 नंबर, किसके आदेश का अर्थ है कि परेड समाप्त हो गया। ऑप्शन है विसर्जन, परेड पर, सज या फिर लाइन तोड़। टाइम शुरू हो चुका है, किसके आदेश का अर्थ है कि परेड समाप्त हो गया है। ऑप्शन दिया गया है, चलिए फास्ट,
विसर्जन, परेड पर, सज या फिर लाइन तोड़। जल्दी, इजी है, टाइम अप। तो विसर्जन का आदेश पर परेड समाप्त होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 42, राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को खालिस्तान में लाया जाता है, ऑप्शन ए तोल शस्त्र में, बी सलामी शस्त्र में, सी बगल शस्त्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। जब हम लोग राइफल को परेड पे लेके आते हैं तब कोई दूसरा पोजीशन है तो किस पोजीशन में रखते हैं? ऑप्शन तोल शस्त्र में, सलामी शस्त्र में, बगल शस्त्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। फास्ट, टाइम अप। राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तोल शस्त्र में लाते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। 43, आराम से का आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड किस अवस्था में हो? ऑप्शन ए सावधान में, बी धीमी चाल में, सी विश्राम में, या फिर डी दौड़ चाल में। टाइम शुरू हो चुका। आराम से का आदेश यानी वर्ड ऑफ कमांड किस टाइम पर देते हैं? जब स्क्वाड किस अवस्था में पोजीशन में होती है? सावधान में, धनराज पीले, विश्राम में, या फिर दौड़ के चाल। चलिए फास्ट, वो धीमी चाल धनराज पीले नहीं है। टाइम ऑफ। तो आराम से का आदेश विश्राम में देते हैं, ठीक है, सी वाले सही है। 44, राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी क्या होती है? ऑप्शन है 100 कैडेट्स, बी 120 कैडेट्स, सी 180 कैडेट्स, या फिर 150 कैडेट्स। टाइम शुरू हो चुका। राष्ट्रपति की गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कितने कैडेट्स की नफरी यानी संख्या? धनराज पीले धीमी चाल को बोल दिया। चलिए जल्दी आपको लास्ट में बताऊंगा धनराज पीले क्यों बोला और कैसे बोला। ऑप्शन है 100 कैडेट्स, 120, 180, या फिर 150। टाइम अप। तो राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी यानी संख्या 150 कैडेट्स होते हैं, डी वाले सही है। नेक्स्ट 45, प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी क्या होती है यानी संख्या? ऑप्शन है 100 कैडेट्स, बी 120 कैडेट्स, सी 180 कैडेट्स, या फिर 150 कैडेट्स। टाइम शुरू हो चुका। प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी यानी संख्या कितनी होती है? चलिए फास्ट, ऑप्शन 100 कैडेट्स, 120 कैडेट्स, 180 कैडेट्स, या फिर 150 कैडेट्स। ओनली 20 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए। टाइम अप। तो प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए 100 कैडेट्स होते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 46, लड़ाई के मैदान में कौन सा ड्रिल की जाती है? ऑप्शन ए क्लोज ड्रिल, बी ओपन ड्रिल, सी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। लड़ाई के मैदान यानी बैटल ग्राउंड फील्ड एरिया में कौन सा ड्रिल करते हैं? ऑप्शन आपका दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन है क्लोज ड्रिल, ओपन ड्रिल, दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो लड़ाई के मैदान में ओपन ड्रिल करते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 47, गार्ड सावधान के आदेश पर गार्ड क्या हो जाती है? ऑप्शन ए विश्राम, बी आराम से, सी सावधान, या फिर ए और बी दोनों सही है। टाइम शुरू हो चुका है। यानी कि जब गार्ड को सावधान का वर्ड ऑफ कमांड देंगे तो गार्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है विश्राम, आराम से, सावधान, या फिर ए और बी दोनों सही है। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो गार्ड सावधान का पर गार्ड सावधान हो जाती है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 48 नंबर, एसडी एक मिनट में कितना कदम चलते हैं? ऑप्शन 116 कदम, बी 110 कदम, सी 70 कदम, या फिर डी 180 कदम। टाइम शुरू हो चुका है। एसडी एक मिनट में कितना कदम चलते हैं यानी सीनियर डिवीजन होता है एसडी का फुल फॉर्म, जो कि कॉलेज के बॉयज कैडेट्स को बोलते हैं, सीनियर कैडेट को। ऑप्शन 116 कदम, 110 कदम, 70 कदम, या फिर 180। बच्चा वाला क्वेश्चन है, टाइम अप। तो एसडी एक मिनट में 116 कदम, ए वाले सही, 120 वाले गलत हो। 49,
एनसीसी का मोटो क्या है? ऑप्शन है शांति और सत्य, बी एकता और अनुशासन, सी अहिंसा और धर्म, या फिर डी एकता और सत्य। टाइम शुरू हो चुका है। मोटो समझते हैं ना, मोटो को हिंदी में ध्येय भी बोलते हैं। तो एनसीसी का मोटो क्या है? ऑप्शन शांति और सत्य, एकता और अनुशासन, अहिंसा और धर्म, या फिर एकता और सत्य। चलिए फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, टाइम अप। तो एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन होता है, यानी ऑप्शन बी वाले सही है। लास्ट क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16 जुलाई 1948 को, बी 16 अप्रैल 1948 को, सी 15 जुलाई 1948, या फिर डी 15 अप्रैल 1948 को। टाइम शुरू हो चुका है। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? चलिए फास्ट, आंसर सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन ए 16 जुलाई 1948, 16 अप्रैल, 15 जुलाई और 15 अप्रैल 1948। टाइम अप। तो एनसीसी की स्थापना काफी लोग इसमें गलत करते हैं गूगल पे देख के, ये 16 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए वाले सही है। अब होमवर्क सुन लीजिए, आपका होमवर्क नेक्स्ट होमवर्क तो वेपन ट्रेनिंग है शाम में भी, और कल जो क्विज टेस्ट होगा 7 बजे सुबह में, शाम में क्लास 6:50 में टाइम से। ठीक है, जो लोग नए हुए चैनल सब्सक्राइब। तो कल सुबह में 7 बजे वेपन ट्रेनिंग का जितना क्वेश्चन का क्विज टेस्ट होगा कल करेंगे। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़ के आएंगे शाम में सब्जेक्टिव में। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।